हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशंस में होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए ये फोर क्वेश्चंस जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है। और ये चार क्वेश्चंस में आप बहुत सारे चीज़ें सीखने वाले हो और ये चारों क्वेश्चंस एक्सपोनेंट का है। चलो एक एक करके देखेंगे डिटेल्स में कैसे हम लोग इस चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले करके आप ट्राई कर सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और पहले ट्राई कर सकते हो, है ना। हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। यहां पे आप देख पाओगे 5 का पावर -1 और -7 का पावर -1 और फिर हॉल ब्रैकेट -1। स्टूडेंट पावर जो माइनस में होता है उनको सोचते हैं कि बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोस्टली स्टूडेंट से पूछे कि 5 का पावर -2 कितना होगा तो स्टूडेंट कितना बताएंगे पता है? -25 होगा। बट ऐसा नहीं है, रॉन्ग है ये, है ना। चलो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक आप जो भी फॉर्मूला यूज होगा हम आपको इधर बताते जाएंगे। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग ये यूज करने वाले हैं कि अगर ए का पावर कुछ भी माइनस होता है, सपोज ए का पावर माइनस बी है, तो हम लोग इसको ए का पावर बी लिख सकते हैं, हम इस पावर को प्लस में ला सकते हैं। ये फॉर्मूला पहले यूज करेंगे। तो यहाँ से ये जो 5 है ये 1/5 का पावर 1 हो जाएगा और 1 हम लोग लिखते नहीं है, अगर 2 होता तो लिखते, इसीलिए केवल क्या लिखेंगे 1/5। ये माइनस को एकदम छूना नहीं है और ये हो जाएगा 1/7 और ये -1 को भी अभी टच नहीं करना। अब हम लोग 5 और 7 का एलसीएम अगर ले तो ये 35 होगा और ये यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 5। मीन्स सिंपली फ्रैक्शन का एडिशन किए हैं -1। 5, 7 -5 कितना होगा 2। तो हम लोग के पास बेसिकली आ कितना गया है 2/35 to the power -1। अब एक फॉर्मूला और हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं जो कि है a/b का पावर -1 अगर है, मीन्स बेसिकली -1 की जगह पे अगर हम डायरेक्ट लिखे कि अगर -c है तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं अंदर वाले वैल्यू को और ये पावर प्लस में चेंज हो जाएगा। मीन्स हम लोग इसको 2/35 को 35/2 लिख दे तो ये पावर जो 1 माइनस में हो प्लस में हो जाएगा, बट हम लोग 1 लिखते नहीं हैं। तो 35/2 आंसर होगा। अगर आप इसको डेसिमल में लाना चाहो तो 17.5। क्लियर है, समझ आया? वेरी गुड। अगर कोई पार्ट नहीं समझ आता है कमेंट करके जरूर बताया करना। अगेन यहाँ पे हम लोग एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन में है स्टार्टिंग में ही। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वही वाला a/b^-c जो कि b/a का पावर c हो जाता है। क्लियर है? तो 4/3 है, इसको हम लोग 3/4 लिख लेंगे और 1 को नहीं लिखते हैं, तो बस इतना ही हो जाएगा। और ये 4/3 को इसको भी हम लोग 3/4 लिख लेंगे। -1 है तो +1 होता, 1 नहीं लिखते इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। और बाद में पावर -1 है। सोचोगे सर कर्ली ब्रैकेट को आप सिंपल ब्रैकेट में चेंज कर दिए, क्यों? क्योंकि अब सिंपल ब्रैकेट नहीं बचा, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट को सिंपल में चेंज कर दिए। अब चाहो तो नहीं भी करो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे अगेन आप एलसीएम ले सकते हो, तो 4 एलसीएम आ जाएगा और 3 -3। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर 0/4 आ चुका है पावर माइनस में। अब यहाँ पे आप सोचेंगे, देखना हाँ, 0/4 है, -1 है। क्लियर? अब अगर आप इसको ऐसा कर देते हो कि ये 4/0 हो जाएगा तो आपका रॉन्ग हो गया यहीं पे। 4/0 एक अनडिफाइंड है, हम लोग डिवाइड में कभी भी 0 नहीं लिखते, ठीक है। तो 4/0 अगर आप लिखते हो तो अनडिफाइंड है। अगर आप इसको ऐसा लिख देते हो कि ये अनडिफाइंड है, ऑप्शन में मे भी रह सकता है, तो गलत आंसर हो जाएगा। क्या होना चाहिए इसका?
जीरो बाई फोर, जीरो बाय समथिंग क्या होता है, जीरो, और जीरो का पावर आप माइनस वन रखो, माइनस टू रखो, कुछ भी डाल दो, वो हमेशा क्या होगा, जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चार क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर ये है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट कंसेप्ट सिमिलर लगने वाला है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन से टॉपिक्स का चार क्वेश्चंस आपको चाहिए। फोर फोर क्वेश्चंस का सीरीज हम बताने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, ठीक है। बहुत सारा चीज़ें आप सीख पाओगे। तो चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे देखो अगेन हम लोग देखने वाले हैं, तो सेम फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बार बार क्यों लिए हो सर, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी बाय ए, अगर माइनस पावर है तो वन, और अगर यहाँ पे अभी जैसे हम लोग ले रहे थे कि ए बाय बी का पावर सी है, तो ये चेंज होकर के क्या बन जाता, सी। अब यहाँ पे देखो ये वन बाय थ्री है, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, थ्री बाय वन। यहाँ पे पावर लिखना होगा, ये थ्री माइनस में था वो प्लस में चला जाएगा, माइनस। वन बाय टू है तो ये कितना हो जाएगा, टू बाय वन, और ये पावर थ्री, करली ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड। वन बाय फोर है, इसको हम लोग लिखेंगे फोर बाय वन टू द पावर थ्री। क्लियर? अब देखना ये थ्री बाय वन मीन्स क्या, केवल थ्री, और टू का पावर थ्री मीन्स क्या, केवल ये वन को हम लोग नहीं लिखते ना, और डिवाइड फोर बाय वन मीन्स बेसिकली क्या, फोर का पावर थ्री। थ्री का पावर थ्री मीन्स 27, और टू का पावर थ्री मीन्स 8, तो 27 माइनस 8 कर लो, और यहाँ पे भी अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 4 का पावर 3 मीन्स 64। क्लियर है? तो 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 19, डिवाइडेड बाय 64, तो 19 डिवाइड में है तो इसको डिवाइड में लिया, बस ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, और ये रहा आपके सामने फोर्थ नंबर। यहां पे आपको दिख रहा हो केवल पावर पावर पावर, मोस्टली स्टूडेंट इसी टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं। हम लोग इसको कहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, अंदर वाले पार्ट से। देखना यहां पे आप दो चीजें कर सकते हो, देखना एक बहुत सिंपल वाला बताएंगे। सिंपल ये है कि किसी भी नंबर पे अगर पावर है बहुत सारा, तो ये सारा पावर क्या होगा, बेसिकली मल्टीप्लाई होगा। पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मीन्स बेसिकली माइनस वन बाय टू टू द पावर टू मल्टीप्लाई माइनस टू और मल्टीप्लाई माइनस वन। तो अगर आप देखो तो वन बाय माइनस, अच्छा फोर नहीं है, वन बाय टू का पावर देखते हैं हम लोग, माइनस माइनस प्लस, और टू इंटू टू फोर, तो वन बाय फोर है, मीन्स पावर फोर है। तो पावर अगर फोर है ना और अंदर में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर है। तो बेसिकली ये बन जाएगा वन बाय टू का पावर फोर। वन का पावर फोर कुछ भी लिखो कितना होगा, वन ही होगा, तो इसलिए ये वन बाय टू का पावर फोर मीन्स 16। एक आप ऐसे बना सकते हो। दूसरा तरीका, ये सिंपल तरीका बता दिया, ठीक है, बट दूसरा तरीका भी समझ लो। अगर आप इसको अंदर से बनाना चाहो, है ना, यहाँ पे ये बन गया बट बहुत जगह पे कुछ डिफरेंट रहेगा तो नहीं बनेगा, तो इसलिए दूसरा तरीका बता रहे हैं। माइनस वन बाय टू है तो पहले इसमें स्क्वायर है, तो आप चाहो तो स्क्वायर कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाय फोर टू द पावर माइनस टू टू द पावर माइनस वन। क्लियर? अब वन बाय फोर क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इवन है, और टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन ही होगा। अब यहाँ पे माइनस आपको दिख रहा होगा, तो आप चाहो तो ये वन बाय फोर को फोर बाय वन कर सकते हो, तो ये टू जो है वो प्लस में आ जाएगा। क्लियर है? ये माइनस वन अभी रहेगा। अब देखना फोर का पावर टू मीन्स 16, और नीचे अभी भी वन है, वन का पावर टू मीन्स वन, माइनस वन,
अब ये माइनस को अगर आप प्लस करना चाहते हो तो 1/16 पावर 1 नहीं लिखते हैं इसीलिए। बोलोगे सर जब पिछले वाले आसान था इजी था तो ऐसे हम लोग क्यों बनाएंगे? देखो इस क्वेश्चन के लिए हम नहीं बोल रहे, बट बहुत जगह पे वो जो अभी हम पिछले वाले मेथड से बताएं उससे नहीं बनेगा, तो आपको ऐसे बनाना है, इसलिए हम दोनों तरीका आपको बता दिए। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताओ जैसा भी आपको लगा, खराब लग रहा है तब भी कमेंट करके बता दो यार, अच्छा लग रहा है तब भी बताओ, और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ये भी बताओ। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।